हाय गाइस, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं माई रोटीन। तो यार आज हम लोग हार्ड डिस्क का पार्टीशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। यार अगर सब्सक्राइब करोगे तो नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले बता दूँ आपको ये पार्टीशन जो करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको देखते हैं यहाँ पे ये आपको सी डी ई और एफ है, यहाँ पे चार भाग में पार्टीशन हुआ है। लेकिन आज अब इसके अलावा एक और में पार्टीशन करते हैं। मैंने चार पार्ट में पार्टीशन कर चुका है। सर मैं डी को पार्टीशन करता हूँ, तो इसमें से एक अलग अल्फाबेट के साथ पार्टीशन करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इस पे जाना, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऑप्शन दिख रहा है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे आप करने के बाद एक अलग सी पॉपअप विंडो खुल जाती है, इसको करने के यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और ये फिर न्यू पॉपअप विंडो खुलती है। और यह न्यू पॉपअप विंडो में आपको दिख जाती है कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीशन कितने कितने जीबी में हुई है। तो सिंपली हम लोग इसको पार्टीशन करने हैं, तो लगभग 10 GB में अलग हम पार्टीशन करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए इसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, उसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये आपको श्रिंक वॉल्यूम का बटन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको आता है, तो मेन ये पार्ट्स होता है। तो यार यहाँ पर आप जितने डालते हो अमाउंट में उतना ही जीबी में होता है, जैसे कि 10 से 24 MB में 1 GB होता है, तो इसी के हिसाब से आपको डालना होगा। तो यार लगभग यहाँ पे मैं 10,000 डाल देता हूँ, यानी कि 10,000 डालने का मतलब कि ये 9.something GB में हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ये श्रिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, फिर एक आपको ऐसी एक अलग सी पार्टीशन दिखा देते हैं, ऑन एलोकेटेड पार्टीशन। तो यार इसमें आपको करना क्या है, इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, न्यू सिंपल वॉल्यूम ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने में यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करना है। फिर ये जो थर्ड नेक्स्ट आएगा, इसमें आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट पूछेगा। यार हम लोग इसका अल्फ़ाबेट सपोज जेड ले लेते हैं, तो यार जेड ले लिए। जेड लेने के बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाना, लास्ट में आपको यहाँ पर फिनिश कर देना। जैसे फिनिश करते उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये जेड की एक पार्टीशन हो गई है। यार चलिए सिंपली अपने वहाँ पे भी पार्टीशन को ही देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे गए, इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने देखा था सी डी ई एफ, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बोला था 9.something GB में, और जेड ये अल्फाबेट था, यार जेड में ये पार्टीशन हो गया। तो यार ऐसे ही होता है पार्टीशन। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करें। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।